नमस्कार, नम्रता टेलरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले 36 टेस्ट का टू पीस कटोरी ब्लाउज, उसका भी हम पेपर पे मार्क करते हैं। लंबाई है 13, तेरह प्लस एक इंच लेना है। यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क करते हैं। शोल्डर है 5.25 इंच, शोल्डर पट्टी 3.25 इंच है। यहाँ पे आर्महोल के लिए 5.5 पे मार्क करते हैं। और यहाँ से छाती का चौथा हिस्सा लेंगे। यहाँ पे कमर गिर्ज का चौथा प्लस एक इंच लेंगे। कमर गिर्ज 30 प्लस एक साढ़े चौथा आता है 7.5 प्लस एक 8.5। और इसके आगे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। इनका गला पीछे से बड़ा है, डीप नेक है, इसके लिए यहाँ पे हम 5 इंच नीचे लेंगे। गला है पीछे का 10 इंच। यहाँ पे गले की चौड़ाई 2 इंच है, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच करते हैं। एक कॉर्नर से हम 1.5 इंच लेंगे और यहां से आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ पीछे का डॉट मार्क करके लेंगे। यहाँ पे छाती का 10वां हिस्सा लेते हैं और डॉट की लंबाई 4 इंच लेंगे। और यहाँ 1/2 इंच लेंगे। ऐसे हमारे पीछे का पीस तैयार हुआ है। अभी हमें कटिंग करके लेते हैं पेपर। अभी इस पीछे का पीस कटिंग करके हुआ है, अभी हम आगे का पीस कटिंग करेंगे। अभी हम पीछे के साइड में यहाँ पे 1/2 इंच मार्क करेंगे। और इसे क्रॉस में कट करेंगे। अभी हम यही पीस रख के आगे का पीस कटिंग करेंगे। यहां से हमने बराबर शोल्डर के यहां से लगा के लिया है। अभी ये सब मार्क, आर्म होल का मार्क ये है वैसे ही करेंगे। यहाँ पे आगे का गला लेंगे। आगे का गला है 6.5।
और यहाँ पे 2.5 इंच देते हैं। अभी ये साइड से हम नीचे से पीछे के पीस से 2.5 इंच ये आगे का पीस कम लेंगे, तो यहाँ से मार्क करते हैं। अभी हम एक पीस उठाएंगे पीछे का, और यहाँ पे 1/2 इंच से भी थोड़ा एक लाइन कम आगे का शेप देंगे। अभी हम ये वाला हिस्सा 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का मार्क करते हैं। और यहाँ से यहाँ 9 इंच आता है, उसका 3 हिस्से करते हैं, तो 9 का तीसरा हिस्सा 3 आता है, तो यहाँ पे 3 पे मार्क करते हैं। यहाँ पे भी 1/2 इंच शोल्डर गले की तरफ हम नीचे लेंगे, और यहाँ से 5 इंच पे मार्क करते हैं। यहाँ से यहाँ हमें 2.25 से 2.5 इंच लेना है, हमने यहाँ पे 2.25 इंच लिया है। अभी हम टक्स पॉइंट लेते हैं छाती का 4+1 इंच, छाती 36 है उसका 4 आता है 9+1 इंच, 10 पे मार्क करते हैं। हम 1 पीस कटोरी में 3 इंच का टक्स लेते हैं, इसमें 1.5 इंच का टक्स ले रहे हैं, इसके लिए हम इसके आगे 1.5 इंच बढ़ाएंगे। अभी ये लाइन है इसके नीचे हम 1.5 इंच लेंगे। और ये लाइन ज्वाइन करते हैं। अभी हम यहाँ से यहाँ 1/2 इंच लेते हैं और इसके ऊपर 1.5 इंच लेंगे। ये गला हम थोड़ा 1/2 इंच बाहर निकालेंगे। अभी ये वाला पॉइंट पहले इसका सेंटर निकाल के लेते हैं, 7.5 है उसका सेंटर आता है 4.25, तो ये वाला पॉइंट है वो हम यहाँ 4.25 पे मिला देंगे, और यहाँ से यहाँ पे मिला देंगे। अभी हमें यहाँ पे डॉट मार्क करने हैं, तो जो पॉइंट है उसके नीचे हम 1/2 इंच पे मार्क करते हैं, और यहाँ से सीधा डॉट मार्क करेंगे। हम 1.5 इंच का टक्स लिए, तो यहाँ पे 1/4 इंच ये साइड में लेंगे, और यहाँ पे भी 1/4 इंच लेंगे।
अभी हम यहाँ पे पौना इंच पे मार्क करते हैं। और यहाँ से ये वाला हिस्सा ज्वाइन करेंगे। ऐसे अभी हमारे आगे का पीस कंप्लीट हुआ है। अभी इसको हम कटिंग करते हैं। अभी हमने आगे का पीस कटिंग किया है, उसके 3 पीस हो गए, ये वाला साइड का और एक कटोरी के 2 पीस हो गए। तो अभी हमने हमें इसे कहाँ पे बढ़ाना है वो देखते हैं। अरे हम पेपर पे ही बता रहे हैं, 38 टेस्ट के वीडियो में हमने बताया है कपड़े पे रख के कैसे बढ़ाना है, मगर मैं अभी इसको पेपर पे बढ़ा के बता रहे हैं। हमें यहाँ पे कटोरी के नीचे यहाँ पे आधा इंच या ए साइड में आधा इंच सिलाई मार्जिन बढ़ानी है यहाँ पे, और बाकी सब है वैसे ही रखना है। और 2 पीस कटोरी स्टिचिंग का वीडियो हमने पहले डाला है, उसका लिंक हम आई बटन में दे रहे हैं, वो देख के आप ब्लाउज सिल सकते हो। इसी तरह से कटोरी को ए साइड में आधा इंच नीचे बढ़ाना है, और कोई पीस हमें नहीं बढ़ाना है, बाकी सब बराबर है उतने ही लेने हैं। अभी हम योग पट्टी कटिंग करते हैं। अभी हम योग पट्टी कटिंग करेंगे। योग पट्टी के लिए हमने पीछे की पीस यहाँ से नीचे से 2.5 इंच कम करके रखा है, तो 2.5 प्लस 1/2 इंच लेंगे, तो योग पट्टी 3 इंच यहाँ पे देंगे। और यहाँ से कम्बर घेर का 4.5 प्लस 1/2 इंच लेते हैं। आप छाती का 4.5 प्लस 1/2 इंच लेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे 4.25 इंच लेंगे। और यहाँ से ऐसे पॉइंट मिला लेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच अंदर लेंगे नीचे की साइड में, और यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ऐसे योग पट्टी कटिंग करेंगे। बाई का वीडियो हमने पहले डाला है, वो देख के आप बाई कटिंग कर सकते हैं, उसका लिंक हम आई बटन में दे रहे हैं। आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।